ज्यादा ज्यादा पहलवानी का चीज नहीं है। अच्छा, ये बैलेंस का चीज है। राजस्थान भोजनालय को जन्म देने वाले गोंद। अच्छा, पेड़ का जो रास्ता था गोंद उससे बनती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज मैंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल भूखा ट्रैवलर फ्रॉम बोधगया। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ बोधगया में। एंड इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैं बोधगया पहुंच चुका हूँ, मुजफ्फरपुर से अपने होम टाउन। हालांकि मैं कैसे पहुंचा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, इस सारी जानकारी मैंने अपने पहले वाली वीडियो में दे रखी है। अब तक आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बहरहाल मैं भी मौजूद हूँ बिरला धर्मशाला में, जी दोस्तों, जहाँ मैं कल आके रुका था। एंड इसकी प्राइस रेंज इतनी अफोर्डेबल है ना, आप कभी विश्वास भी नहीं कर सकते गाइस। मतलब जस्ट 230, बस 230 रुपये में आप यहाँ एक रात के लिए रह सकते हो। एंड ऐसा नहीं कि 230 रुपये में आउट ऑफ द लोकेशन है बोध गया, नहीं, शांति स्तूप भी बगल में है, भगवान बुद्ध की जितने भी मोनेस्ट्रीज वगैरह है बाकी कंट्रीज के, वो सारे आसपास ही है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ लोकेशन है। बाकी जो भी जानकारी है इससे रिलेटेड मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वहाँ से देखा कर सकते हो। कृष्णा जी थोड़ा ये ना। जी दोस्तों, ये है कृष्णा जी जो कि यहाँ के इंचार्ज है। कृष्णा जी, एक बात बताइए, मतलब यहाँ एक रात रुकने का एक आदमी ओवरऑल खर्च कितना आ जाता है? यहाँ तो 200 रुपया आ जाता है। जी हाँ, 230, मतलब जैसे आपने बोला था कल। हाँ, तो मतलब 230 रुपये में आ जाता है। बाकी आपका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दे दे, मतलब लोग अगर यहाँ कॉन्टेक्ट करना चाहें आपको तो। हाँ, एक आदमी रहे या दो आदमी भी रहेगा जी, चार्ज। जी जी, चलिए, थैंक यू। आज के अपने वीडियो में मैं पहुंचा हूं गया के फूड को डिस्कवर करते हुए श्री राजस्थान भोजनालय के पास। जिसकी लोकेशन की बात करूं तो ये पड़ता है सरकारी बस स्टैंड के पास, जो पेट्रोल पंप है उसके जस्ट बगल में। हालांकि ये पहले जो था सरकारी बस स्टैंड से लेफ्ट हैंड साइड था, एक होटल सर्वो गया के नाम पे वहाँ पे ही था, बट अब ये शिफ्ट होके सरकारी बस स्टैंड के बगल में यहाँ पे आ गई है श्री राम भोजनालय, श्री राजस्थान भोजनालय के नाम से। जी दोस्तों, अभी मैं श्री राजस्थान भोजनालय के किचन एरिया के अंदर, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं गोंद का लड्डू जो उसे तैयार किया जा रहा है, जो कि यहाँ का सबसे सुप्रसिद्ध माना जाता है। लोग खाने के बाद अक्सर डिजर्ट भी इसे खाना पसंद करते हैं। बाकी क्या कुछ खास जायका है यहाँ पे जिसे लोग काफ़ी खासा पसंद करते हैं? हालांकि अभी सुबह का टाइम है तो उतने लोग अभी अंदर आपको होटल में नहीं मिलने वाले, क्योंकि दोपहर का खाना खाने जल्दी ज़्यादातर लोग आते हैं। अभी है लोग जो कि अभी सुबह का नाश्ता के लिए आए हैं। हालांकि अभी सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं, तो मैंने अभी हैवी फूड की जगह चावल दाल की जगह अभी मंगवाया है दही, आलू का पराठा है, उसके साथ लौकी की सब्जी है, आलू गोभी है, और साथ में करेले और आलू का भुजिया भी है, जो कि काफ़ी वैरायटी है, एक नाश्ता के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ है ये। बात करूँ पराठा के अंदर आलू की, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग्स की है इन्होंने, साथ में जिन्होंने कॉम्बोज दिया है दही के साथ, पराठा और दही मेरा फेवरेट है, उसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात जो इस नाश्ते के प्लेट में मुझे लग रही है, जो भी मसाले वाले सब्जी है, जैसे भुजिया हुआ या फिर आलू गोभी का सब्जी या फिर कद्दू का, इसमें कोई भी बैलेंस, मतलब कोई भी अलग से मसाला इतना नहीं लगाया जो आर्टिफिशियली ऐड किया जाता है ज़्यादातर होटलों में टेस्टी बनाने के लिए, बट इसमें जो मसाले वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है एंड काफ़ी ज़्यादा हाइजेनिक टाइप लग रहा है। खाने में भी काफ़ी अच्छा स्वाद आ रहा है, कोई भी ऐसा बटरिंग नहीं लग रहा है जो ऊपर से टेस्ट में लगा दिया हो या फिर बासी टाइप का, जो भी है फ्रेश है आपको मिलने वाला। ये दोस्तों, अब नाश्ता ख़त्म करने के बाद अब बारी यहाँ के डिज़र्ट को टेस्ट करने की, जो कि यहाँ का वर्ल्ड फेमस है गोंद का लड्डू, जिसमें हमारे साथ ऑनर भी जुड़ चुके हैं श्री राजस्थान भोजनालय। सर, सबसे पहले ये बताइए, इस गोंद के लड्डू में तो क्या चीज़ कैसे इसे बनाते हैं गोंद के लड्डू को? इसमें सूजी है, खोआ है, गोंद है, बेसन है जी, और आटा है। आटा है, इसे मिला के घी में सेका जाता है। वैसे इसका स्वाद में जो भी इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह है सब ऊपर से मतलब आप डालते हैं? जी दोस्तों, इसमें जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो आपको हर बाइट में मिलने वाला है, चाहे वो लड्डू के फॉर्म में हो या फिर ऐसा हलवा टाइप का हो। कैसा लगा था आप यहाँ? बहुत बढ़िया। एंड इसमें कुछ मसाला वगैरह भी आप डालते हो उस टाइप का भी आ रहा है ना, जैसे वो काली मिर्च डालते हैं? काली मिर्च वाली है ना, काली मिर्च है, गोंद है। अच्छा, गोंद क्या होता है वैसे, मतलब जिससे इसका नाम? जी, पेड़ का जो रस्से आते हैं गोंद। अच्छा, पेड़ का जो रस्सा आता है गोंद उससे बनती है? हाँ, बनती है।
जी हाँ दोस्तों, मतलब इस वजह से गोंद का लड्डू बोला जाता है ना। चलो जी दोस्तों, पेड़ का रस्ता डाला जाता है जो कि मुझे अब तक पता नहीं था। मैंने खाया था गोंद का लड्डू, पर इतना कभी गौर नहीं किया, इस वजह से गोंद का लड्डू कहा जाता है। जब इसमें ड्राई फ्रूट्स इन्होंने डाला है, चाहे काजू वगैरह हो, वो हर बाइट में आपको मिलने वाला है, भर भर के मतलब मिल रहा है इसमें। एंड कॉस्ट की बात करूँ तो वो 10 रुपये के एक पीस आ जाते हैं ना सर। एंड इसे जनरली आप खाना खाने के बाद डेजर्ट के लिए फॉर्म में ले सकते हो। जैसे खाना खाने वाले लोग, बहुत से लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, तो दही खा लो या फिर ऐसे गोंद का लड्डू। मैं प्रेफर करूँगा आप गोंद का लड्डू एक बार खाओ, जो कि इस राजस्थान भोजनालय का काफ़ी फेमस है शुरू से ही। या दोस्तों, श्री राजस्थान भोजनालय से अपना नाश्ता करने के बाद अब मैं आपको टेस्ट कराने वाला हूँ एक ऐसे खास स्वीट की, जिसकी वजह से गया को पूरे विश्व भर में जाना जाता है। मतलब गया का नाम ही उस चीज़ से है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तो वन एंड ओनली वर्ल्ड फेमस गया का मशहूर त्रिकुट के बारे में। एंड उस त्रिकुट को टेस्ट करने मैं पहुँचा हूँ श्री राम त्रिकुट भंडार, जो कि पड़ता है टेकारी रोड में। हालांकि जो मेन लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन, वो मैं नीचे दे दूंगा। एंड भैया का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस नाम के बहुत से डी हैं मार्केट में भैया, समझे ना। एंड ये रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं, मोस्टली 1 से 1.5 किलोमीटर ही होगा। तो आप कभी गया आना जाना भी हो ना भैया, और अगर आपका हॉल्ट है आधे घंटे का, तो यहाँ से आप त्रिकुट लेते जाना, क्योंकि बहुत ही फेमस है। अब क्यों है वो, चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं टेस्ट, एंड बताते हैं वो क्या कुछ खास तरीके से बनाया जाता है गया के मशहूर त्रिकुट को। त्रिकुट का चाशनी जो होता है ना जी, वही कर रहा हूँ। चाशनी मतलब ये जमीन पे इसे फैला दिया जाता है। अभी देखिए ना, इसको अभी खुट्टी में चाड़ेंगे। अच्छा, ठंडा होने के लिए, इसको साफ करने के लिए। अच्छा, साफ हो जाएगा तो फिर गर्म कर रहा है। अच्छा, इसको मिलाएंगे। अच्छा अच्छा जी दोस्तों, मेरे पीछे आप जो प्रोसेस देख रहे हैं, चीनी के लड को तैयार किया जा रहा है, इसके बाद इसे तिल के साथ मिला के त्रिकुट बनाया जाता है कूटने के बाद। तो इसके बाद जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताऊँगा क्या कुछ खास तरीके से गया के त्रिकुट को तैयार किया जाता है, जिसमें इतनी लजीजियत होती है। कलर को देखो, जो कि पहले बिल्कुल ब्राउन था, अब ये पूरा वाइट हो चुका है। एंड शायद आपने इसे खाया भी होगा, जबकि ये छोटे छोटे फॉर्म में पहले, जब आप बचपन में रहे होंगे, तो गट्टा के नाम से ये बिकता था गाँव में, या फिर और क्या नाम था इसे बोलते थे लोग, ये सब पहले हम लोग खोटा बोलते थे। खोटा, हाँ जी हाँ, खोटा या गट्टा ऐसे करके बिकता था गांव में, जो आते थे साइकिल से बेचने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, उस गट्टा जो वाइट वाइट हो चुका था, पूरी तरह जो कलर चेंज हुआ, वाइट हो चुका था गट्टा। अब इसे यहाँ तिल से बड़ी कढ़ाई जो है उसमें डाल दिया गया है, इसके बाद इसे कूटने के लिए डाला जाएगा और फिर त्रिकुट तैयार किया जाएगा। जी दोस्तों, ये फाइनल स्टेप है तिलकुट तैयार करने की। अभी जो आपने वो देखा था, जहाँ पे गट्टा तैयार हुआ था चीनी का, उसके बाद इसे तिल में रखा गया, जो कढ़ाई मैंने दिखाया था, उसके बाद वहाँ से निकल के इसे पीसेस के फॉर्म में यहाँ रखा जाता है, उसके बाद इसे कूट कूट कर तिलकुट के फॉर्म में गोला बनाया जाता है। चलिए जानते हैं और पूछते हैं इनसे क्या कुछ खास तरीके से इसे कूटा जाता है। अच्छा भैया, और बात बताइए, जैसे यहाँ आप जो कूट रहे हैं, तो मतलब पूरा जोर से कूटना पड़ता है या फिर थोड़ा बारीकी से कूटना पड़ता है इसको? ना, कुछ ज़्यादा ये सब बैलेंस का चीज़ है, ज़्यादा पहलवानी का चीज़ नहीं है। अच्छा, ये बैलेंस का चीज़ है। अच्छा, ये डायरेक्ट नहीं कूट रहा, आप इसे घुमा घुमा के, है ना? हाँ, ऐसे ही कूटाता है ये, मतलब ऐसे गोल गोल घुमाना पड़ता है पहले। नहीं घुमाइएगा तो फिर त्रिकुट बनेगा नहीं ना। अच्छा, ये त्रिकुट आपका फाइनल हो गया, ये त्रिकुट फाइनल पैकिंग हो गया, फाइनल हो गया। अभी है कि सूख जाएगा 5 मिनट में, तब फिर इसको हम प्लास्टिक पैकिंग कर देंगे। जी दोस्तों, गया त्रिकुट के लिए तो फेमस है ही, साथ ही साथ एक और मिठाई के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसका नाम है भैया, इसका नाम क्या बोलते हो आप? अनरसा बोलते हैं। अनरसा, जी दोस्तों, इसको यहाँ के, जी दोस्तों, इसे अनरसा बोला जाता है। और ऐसे क्या कुछ खास होता है अनरसा, मतलब किस तरीके से बनाया जाता है अनरसा की बात करें तो? खोवा का बनता है। अच्छा, चावल का पिट्ठी रहता है। ये किस चीज़ का है? ये चावल का रहता है, चावल का रहता है, मीठा का रहता है। हाँ, ये चावल का है और उसके अंदर खोआ की खोवा होती है। हाँ जी, और उसके बाद तीर मेरा पेटा जाता है। अच्छा, तीर से पेट के छाना हुआ जाता है। छाना हुआ जाता है, ओ तो मतलब ये मतलब तिल के साथ खा, मतलब किस तरह मीठा के साथ साथ कुछ सूनापन होता है तिल के साथ, लगता है ना? हाँ, सुंदर लगता है। जी दोस्तों, यहाँ गर्मा गर्म त्रिकुट भी आ चुका है अपना बन के, जो कि बिल्कुल देख रहे हैं पीछे, जस्ट अभी फ्रेश फ्रेश बना है, फ्रेश फ्रेश भैया ने दिया कि चलो खाओ और बताओ किस क्या कुछ खास है। हालांकि इसे खाने का जो करेक्ट टाइम होता है, मतलब बनने का एटलीस्ट आधे घंटे बाद, गर्म गर्म त्रिकुट का स्वाद ही अलग है भाई साहब। क्योंकि अभी तक मैंने जहाँ भी खाया है वो जनरली पैक्ड होता है ऑलरेडी, मतलब टाइम का बना हुआ होता है, इतना गर्म नहीं होता, लेकिन गर्म काफ़ी ज़्यादा सूना लग रहा है। काफ़ी उमदा, लाजवाब।
जनरली इतना ज़्यादा प्योर है ना, इसका अंदाज़ा पीसे से लगा सकते हो। जनरली जो आप बाज़ार में लेते हो काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है, और क्योंकि उसमें चीनी का क्वांटिटी होता है काफ़ी हाई होता है, बट ये काफ़ी लाइट वेट है क्योंकि इसमें चीनी ज़्यादा नहीं है, एंड तिल जो है काफ़ी ज़्यादा है, एंड जो तिल का सूनापन है वो काफ़ी होता है। एंड इस मौसम में खासकर लोग तिल को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अभी जो मौसम ठंड का है, ठंड में जो होता है लोग तिल ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि तिल जो होता है जनरली वो हमारे बॉडी के लिए गर्म होता है, खासकर 14 जनवरी को लोग स्पेशली खाते हैं। तो आप भी अगर 14 जनवरी से पहले गया आ रहे हो तो श्री राम तिलकुर भंडार जरूर आना। और हाँ, इस दुकान के बहुत से डी कॉपी है जैसा कि मैंने आपको बताया इस मार्केट में, इसलिए मैं इनका फ़ोन नंबर यहाँ कहीं आ रहा होगा दे देता हूँ, आप इन्हें कॉन्टैक्ट करके यहीं पर ही आना, मैं कालों से सावधान। जी दोस्तों, अब समय आ गया अपने घर की ओर चलने के लिए, तो फिलहाल अपने इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सपोर्ट करके लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि बस आपको बटन दबाना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टाटा।